हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनकी हेल्प से आप फॉरएवर बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2 महीने में। ये एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन सही तरीके से प्लान बनाकर और मेहनत करके आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 पॉइंट है जो कि इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिससे कि आप अपना सुपरवाइजर लेवल करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है अग्रेसिव प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रमोशन। फॉरएवर बिजनेस में अगर आपको सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे पहला कदम है अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझना और प्रमोट करना। आपको अपने प्रोडक्ट्स के हर एक डिटेल को जानना होगा, ताकि आप अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंटली और कन्विंसिंग तरीके से बता सके कि आपके प्रोडक्ट्स उनके लिए क्यों बेनिफिशियल हैं। अपने प्रोडक्ट्स को स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, डेमोंस्ट्रेशंस और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स के थ्रू। जब आप एग्रेसिव प्रोडक्ट नॉलेज और प्रमोशन के साथ काम करेंगे, तभी आप अपने केस क्रेडिट्स सीसी को भी बूस्ट कर पाएंगे। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के प्रेजेंटेशन ऐसे हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे और उनके लिए अंडरस्टैंडिंग हो, उन्हें कन्वेंस करे कि ये प्रोडक्ट्स उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, उन्हें जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भी दे। और सीसी यानी कि आप जानते ही होंगे कि ये पूरा बिजनेस जो है फॉरएवर का, वो सीसी पे ही चलता है। तो ये आप हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपके सुपरवाइजर बनने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो है डायनामिक टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचने में सेकेंड स्टेप एक मजबूत टीम बनाने का और उस टीम को लीड करने का है। आपको अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना होगा, उन्हें अपने गोल्स की तरफ बढ़ने में सपोर्ट करना होगा। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी। जब आप अपने टीम के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाएंगे, उन्हें सही गाइडेंस देंगे, तभी आप ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। टीम बिल्डिंग और लीडरशिप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए टीम बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये पूरा बिजनेस सेकंड जो देखे हम, तो वो टीम पर ही चलता है। और जब ये दोनों एलिमेंट सही तरीके से काम करते हैं, तभी आप सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कंसिस्टेंट सेल्स और फॉलोअप। सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंट सेल्स जनरेट करनी होगी। आपको अपने नेटवर्क में रेगुलर इंटरवल्स पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा। इसके अलावा आपको अपने क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट्स के साथ रेगुलर फॉलोअप्स करना होगा। कुछ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, इसीलिए उन्हें जेंटल रिमाइंडर्स भेजना और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कंसिस्टेंट सेल्स और फॉलोअप से आप नॉट ओनली अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, बल्कि आपके सीसी काउंट को भी मेंटेन करेंगे, जो कि सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचने में आपके हेल्प करेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये है अटेंड और कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग सेशन। सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचने में अगला कदम हमारा है रेगुलर ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने का और अपने टीम को ट्रेन करने का। फॉरएवर बिजनेस में सक्सेस का एक ही एस्पेक्ट है, रेगुलर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना और अपने टीम को भी ट्रेन करना। आपको अपने कंपनी के ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग सेशन को रेगुलर बेसिस पर अटेंड करना चाहिए। ये आपको कंपनी के अपडेट के साथ साथ नई नई स्ट्रेटजीज और नई टेक्निक सीखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको अपने टीम मेंबर्स को भी ट्रेन करना होगा। आपको अपने टीम मेंबर्स को गाइड करना होगा, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आपकी टीम भी ग्रो कर सके। लास्ट पॉइंट को देखें तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, सेट क्लियर गोल्स और फॉलो अ सिस्टमैटिक प्लान्स। सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचने का लास्ट स्टेप है क्लियर गोल्स सेट करना और एक सिस्टमैटिक प्लान को फॉलो करना। आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा कि क्या आपको 2 महीने में कितने सीसी अर्न करने हैं। ये डिसाइड करें कि क्लियर गोल्स आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कैसे अपने गोल्स की तरफ बढ़ना है। गोल्स को अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बनाएं, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, टीम को कैसे बिल्ड करेंगे और कैसे रेगुलर सेल्स और फॉलोअप्स मेंटेन करेंगे। ये सब कुछ एक में इसको प्लान में अपने शामिल करें, और प्लान को फॉलो करना आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और आप अपने को सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचाने में खुद की मदद कर पाएंगे। ये 5 मूल जो पॉइंट्स थे, इसे ध्यान में रखकर सही तरीके से मेहनत करते हुए आप 2 महीने में सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच सकते हैं।
इसके साथ ही इस सफर में, इस जर्नी में आपको पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने भी बहुत ही जरूरी है, और पेशेंस रहना बहुत, पेशेंस को रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।